अगर आपको समझ है, बोलो क्या है? अगर आपको तरीका है, क्यों परमेश्वर ने कहा मेरी प्रजा ज्ञान बिना क्या होती, नाशित होती। अगर तुम्हें पता है कि खुदा के वचन में क्या लिखा है, कैसे हमने खुदा से काम लेना है, कैसे परमेश्वर हमारी सुनता है, बोलो क्या है, कैसे हमारी सुनता है, तो तुम क्लेम करोगे खुदा तेरे वचन में ऐसे लिखा है। बोलो क्या लिखा है, तेरे वचन में लिखा है कि तूने हमें मसीह में सब प्रकार की आशीषें दे दी। क्या दे दी है? तेरे वचन में लिखा है। जब तुम हर एक बात को वचन की लिखित में लेकर जाओगे तो वो बात कभी भी कैंसल नहीं होती। हमेशा ये बात याद रखना। क्या रखना? ये बात याद रखना। तुम प्रैक्टिकल करके तो देखो, क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करके देखेंगे, हमें खुदा के वचन की ताकत, उसके सामर्थ के बारे पता नहीं लगेगा। क्यों पौलुस कहता, मेरे वचन और प्रचार में संसार की लुभाने वाली बातें नहीं, संसार के ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, आत्मा और सामर्थ का प्रमाण सबूत है। बोले क्या है? कहता मेरे वचन और प्रचार में संसार के ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं। बोले क्या है? लुभाने वाली बातें नहीं, आत्मा और सामर्थ का प्रमाण है, सबूत है कि जो तुम सुनते हो इस वचन से वो पूरा होगा। क्यों एक लुस्त्रा में जब हम इसी पुस्तक का प्रेरितों की पुस्तक रसूलों के कहते 8:14 पढ़ते, जब प्रेरित पॉल लुस्त्रा में किसके बारे प्रीच कर रहे थे, किसके बारे बता रहे थे? आज आप किसके बारे सुन रहे हो? आज आप किसके बारे सुन रहे हो? मैंने कहा किसके बारे सुन रहे हो? तुम यहां पे हो, तुम यहां से शास करो सुनकर, यहां से 100 किलोमीटर क्या, 1000 किलोमीटर क्या, 10,000 किलोमीटर भी दूर परमेश्वर काम करते का। ऐसा परमेश्वर, समझ आ रही है? ऐसा परमेश्वर। जब एक लुस्त्रा में लिखा कि जमंद्रू लंगड़ा टक टक्की लगाकर किसकी बात को सुन रहा था, बोलो किसकी बात को सुन रहा था, किसकी बातों को सुन रहा था? तो लिखा परमेश्वर ने उसके मन को देखा। आज भी आप किस मन से आए हो, किस मन से बैठे हो, क्या प्रार्थना करके हो, क्या बोलकर आए हो परमेश्वर से, क्या चाहते हो, तुम बैठे हो सुन रहे हो और खुदा तुम्हें देख रहा है। तुम छुटकारा चाहते हो तो परमेश्वर तुम्हें देना चाहता है, तुम ब्लेसिंग चाहते हो परमेश्वर तुम्हें देना चाहता है, तुम काम चाहते हो परमेश्वर तुम्हें देना चाहते हो, तुम घर चाहते हो, बच्चा चाहते हो, जो चाहते हो खुदावंद तुम्हें देना, बोलो अपने पड़ोसी को वो देना चाहता है। ध्यान से सुन, चौकसी कर। क्योंकि सच में परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है कि जो उसने कहा जहां उसने लिखकर दिया। लिखा ईश्वर मनुष्य नहीं है, इंसान जैसा नहीं है कि जो कहा वो ना करे और अपना वचन देकर बदल जाए, हो नहीं सकता। बदलने वाला परमेश्वर नहीं है कि लोग उसने लिखकर दिया वो बदल जाए, जो तुम चाहते हो वो पूरा करेगा। बोलो क्या है? जो लिखा है वो पूरा होगा।